नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नागपुर लाइसेंस एप्लीकेशन फॉर कीपिंग डॉग। छोड़ बिल्कुल चुपचाप बैठ। मंडली कैसे हो आप सब, मेरा नाम है आदित्य वलेरा और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो गाइज स्टार्ट करते हैं आज का न्यू ब्लॉग। तो गाइज आज मैं ड्रेको के लिए जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो बैच रहता है वो बनाने जा रहा हूँ। तो उसके लिए हमें डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उसके वैक्सीनेशन कार्ड की जेरोक्स और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ पे दिखाने के लिए। तो मैं अभी जेरोक्स निकाल रहा हूँ, यहाँ पे मेरे प्रिंटर है तो जेरोक्स निकालता हूँ फटाफट और जाते हैं वहाँ पे और देखते हैं क्या प्रोसीजर है। और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि वहाँ पे क्या क्या प्रोसीजर करना होता है। तो चलो जेरोक्स निकालते और निकलते। तो गाइज मैंने ये निकाल लिए इसकी जेरोक्स वैक्सीनेशन कार्ड की। तो चलते हैं अभी वहाँ पे डायरेक्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस में और वहाँ पे जाके मिलते हैं। मेरे साथ मेरा दोस्त भी आ रहा है, उसको भी अपने डॉग के लिए बैच रिन्यू करना है। तो आने का दिखाता हूँ कौन आ रहा है मेरे साथ में। ये देखो ये थैनोस का ओनर, इसको थैनोस का कार्ड रिन्यू करना, बैच रिन्यू करना है। तो गाइज अभी पहुंच चुके हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस में। तो ये है ऑफिस, तो अभी चलते हैं अंदर। सॉरी ये वाला नहीं है ऑफिस, ये वाला ऑफिस है। ये है बिल्डिंग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, अभी एंटर कर रहे हैं अंदर। कहाँ जाना है? पहुंच गया फिफ्थ फ्लोर पे फुलजा सिंह सिंह। चलो तो गाइज अभी हम घर पे जा रहे हैं, हमारा कुछ काम हुआ नहीं तो मैं भी घर जाके आपको बताऊंगा क्या हुआ था। तो गाइज हम वहाँ पे गए थे तो उन्होंने हमें एक फॉर्म दिया है, ये है वो फॉर्म, नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नागपुर लाइसेंस एप्लीकेशन फॉर कीपिंग डॉग। तो ये सब आता है उसमें, आप इसको स्क्रीनशॉट निकाल के अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और पीछे में भी एक फॉर्म है, ये भी फिल करना है। इसका ये सीन है कि इसके ना हमें 8 कॉपी जेरोक्स करने के लिए बुला है, और जो हमारे नेबर्स रहते हैं उनका यहाँ पे नाम आएगा और वो कहाँ रहते हैं यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे जो डॉग ओनर है उनका नाम आएगा और वो कहाँ पे रहते हैं वो यहाँ पे आएगा, और ये कितने साल से वो पहचानते हैं वो मेंशन किया जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपके नेबर की साइन डेट और उनका मोबाइल नंबर। तो ऐसे 8 लोगों के नाम और साइन लेके आने के लिए मुझे बोला है। तो अभी मैंने फ़िलहाल तो 3-4 लोगों की साइन ली है, तो मंडे को बुलाया उन्होंने, तो मंडे को जाऊंगा। फिर बाद में वहाँ पे जाके मैं बताऊंगा कि वहाँ पे कितना चार्जेस हमें पे करना पड़ता है। वहाँ से मुझे बताया गया है कि तुरंत में वो लोग बैच दे देते हैं, तो जाके देखेंगे मंडे को क्या सीन रहता है, ठीक है। ड्रेको सिट, बस खाली बस।
बॉय। अरे बस खाली बस खाली बस बैठ नीचे बैठ। सिट सिट डाउन 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 गुड बॉय। इसको ऐसा डराना क्यों पड़ा पता है क्या? ये क्या करता है बार बार ना मम्मी के कपड़े पकड़ता है और फाड़ता है। आप में से बहुत से लोग सोचेंगे कि ये क्रुएल्टी कर रहे हैं अपने डॉग को डरा के, बट कैसा है ना गाइस, कुछ कुछ चीज़ों के लिए ना डराना पड़ता है, उनको डरा के रखना पड़ता है, नहीं तो कि ये क्रुएल्टी कर रहे हैं अपने डॉग को डरा के, बट कैसा है ना गाइस, कुछ कुछ चीज़ों के लिए ना डराना पड़ता है, उनको डरा के रखना पड़ता है, नहीं तो वैसे ही करते हैं अगर उनको डराया नहीं तो। मुझे को डराया भी और उसका पैर भी हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना आप कि एनिमल के साथ हम कुछ क्रुएल्टी कर रहे हैं या फिर और कुछ, क्योंकि इसके पहले मैंने रील्स वगैरह अपलोड किया है, शॉर्ट्स भी अपलोड करता हूँ, तो उसमें भी मुझे बहुत से कमेंट्स आते हैं कि आप एनिमल क्रुएल्टी वगैरह ऐसा कुछ कुछ वर्ड यूज़ करते हैं, बट जो समझदार लोग हैं वो समझ सकते हैं ऐसा करना कुछ कुछ मतलब कुछ कुछ चीज़ों के लिए ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। और आपको वॉइस में थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा होगा तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि कूलर चालू है और कूलर की वजह से बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, कूलर बंद नहीं कर सकता मैं। नो 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 ये देखो ये इस तरीके से कपड़े पकड़ता है, इसलिए उसको थोड़ा डराना पड़ता है। ये देखो ऐसे हाथ पकड़ेगा, अभी उसको पता नहीं है कि कितना प्रेशर से हाथ पकड़ना पड़ता है, तो जब हाथ पकड़ता है तो हमें उसके दांत चुभते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा प्रेशर लगाता है। अभी देखो नो 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 बेटी नो बेटू नो 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 ये खेल रहा है, और आप लोगों को लगेगा कि अटैक वगैरह कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, खेल रहा है, बट उसको खेलने में समझता नहीं है कि कितने प्रेशर से हाथ पकड़ना है, तो इस वजह से थोड़ा दर्द होता है हाथ पकड़ेगा तो, और इसको कपड़े पकड़ के फाड़ना बहुत पसंद है। अभी ये इसको फाड़ के ही रखेगा, अगर मैं इसको अगर ये पीलू मैं उसके बाद से हटाऊंगा नहीं ना तो ये फाड़ देगा 100%। ट्रिको बहुत बदमाश बच्चा है ये। नो क्यों क्यों करता है तू ऐसा, तू छोटा बच्चा है क्या? हाँ ट्रिको एड रेको तू छोटा बच्चा है क्या? हाँ रेको एड रेको मत रोक, बोल रहा है मुझे फाड़ने से, रोकू नहीं तो क्या तुझे फाड़ने दूँ क्या? ए नो नो
छोड़। मैं थक गया बट ये नहीं थका अभी तक। छोड़ छोड़ जल्दी। हारेगा क्या? छोड़ जल्दी छोड़ 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 छोड़। ज्यादा घुर रहा है क्या? हाँ आपको लग रहा होगा कि ये अग्रेसिव है इसलिए ऐसा कर रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अभी छोटा बच्चा है, सिर्फ 7 महीने का, उसको समझ आने की है, मैच्योरिटी आने की है, इसलिए ये ऐसा मस्ती करता है। धीरे धीरे इसमें समझ आएगी, मैच्योरिटी आएगी, तो इसकी ऐसे करने की आदत भी कम हो जाएगी, तो उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो गाइस कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और गाइस आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइज मैं आज का व्लॉग यही एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।